खबर कानपुर से है, जहां पर स्कूल के सामने बनी मार्केट में लगी आग। तो एक बार फिर से कानपुर से आग लगने की खबर आपको बता रहे हैं। आग ने दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में लिया है। तो बता दें कि आग ने दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, खबर कानपुर से है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है, आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर आप सीधे तस्वीरों में भी देख सकते हैं। भीषण आग लगी है स्कूल के सामने बनी मार्केट में, भीषण आग लगी, खबर कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। आग ने दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर सुरेश कुमार खन्ना ने पशुओं के साथ मनाई दीपावली। राजभवन में उपस्थित लोगों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी दी दीपावली की बधाई। तो सुरेश खन्ना ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ दीपावली मनाई है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पश्चिमों के साथ मनाई है दीपावली। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर युवक पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। सीधी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, युवक ने कूद कर अपनी जान बचाई है। तो बता दें कि कहा जा रहा है युवक ने कूद कर अपनी जान बचाई है, गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, कार सवार कई और को भी पहुंचा सकता था नुकसान। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहाँ पर कार सवार का ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया में अब तेजी से वायरल हो रहा है। गौर सिटी 7 एवेन्यू के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। थाना बिसरख इलाके के ग्रेटर नोएडा वेस्ट का ये पूरा मामला है। तो ग्रेटर नोएडा में युवक पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी चलाई जा रही है। युवक ने कूद कर अपनी जान बचाई है। तो बता दें कि युवक ने कूद कर अपनी जान बचाई है, कार सवार कई और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता था, ये भी कहा जा रहा है। सीधी तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी चलाई जा रही है। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है। हमीरपुर से खबर है, जहां पर दीक्षा राजपूत के हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। बुंदेलखंड क्वीन रेस्टोरेंट में की है फायरिंग। बुंदेलखंड क्वीन रेस्टोरेंट की मालिक है दक्षा राजपूत। तो दक्षा राजपूत का हर्ष फायरिंग का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सदर कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 34 का ये पूरा मामला है, जहां पर दक्षा राजपूत ने हर्ष फायरिंग की है अपने जन्मदिन के मौके पर। हमीरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर दक्षा राजपूत के हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद भी अब कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जन्मदिन पर बुंदेलखंड क्वीन रेस्टोरेंट में फायरिंग की है। बता दें कि बुंदेलखंड क्वीन रेस्टोरेंट के मालिक है दक्षा राजपूत। दक्षा राजपूत का ये हर्ष फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।